श्रावस्ती। डीएम अजय द्विवेदी के निर्देशन में अवैध मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम पर चला प्रशासन का चाबुक। एसडीएम इकोना की मौजूदगी में सीएचसी अधीक्षक ने की छापेमारी। अवैध मेडिकल स्टोर संचालक मौके से हुआ फरार। सीएचसी अधीक्षक दीपक शुक्ला ने मेडिकल संचालक पर एफआईआर कराया दर्ज। संतोष पॉलीक्लिनिक अवंतिका डायग्नोस्टिक सेंटर को किया गया सील। छापेमारी के दौरान गर्भवती महिलाएं अवैध पॉलीक्लिनिक में मिली भर्ती। भर्ती गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस से सीएचसी में कराया गया शिफ्ट। भारी पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्यवाही। गिलोला क्षेत्र के कस्बा गिलोला का मामला। कई दिनों से इनकी शिकायत लिखित और मौखिक रूप से शिकायत पर मिल रही थी, इसमें ये संज्ञान में आया और इसकी सूचना उप जिलाधिकारी को दी गई। मौके पर उप जिलाधिकारी की टीम के साथ पहुँचे और संयुक्त रूप से एक संयुक्त टीम द्वारा इन अवैध चल रहे नर्सिंग होमों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में संतोष पॉलीक्लिनिक में दो गर्भवती महिलाएँ एडमिट पाई गई, जिनपे मौके पे कोई भी डॉक्टर प्रशिक्षित एनएम या किसी भी द्वारा एक अवैध तरीके से गैर प्रशिक्षित लड़के द्वारा गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जा रहा। तत्काल एम्बुलेंस बुला के उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। हॉस्पिटल में उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है। दूसरा, एक मेडिकल स्टोर जिनके बारे में काफ़ी दिनों शिकायत चल रही थी कि आशाओं हमारे कैंपस में हॉस्पिटल परिसर में आके मरीजों को बहला फुसला के ले जाते थे, गैर प्रशिक्षित लोगों से उनका इलाज करते थे। इलाज में ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रशिक्षण प्राप्त जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर हॉस्पिटल पर्सन हैं उनके अलावा वो गैर प्रशिक्षित लोगों से उनका इलाज मेडिकल स्टोर पर बैठ के करते थे। मौके पर जब छापेमारी की गई तो वो फरार पाए गए। उनके खिलाफ प्रथम प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और उप जिलाधिकारी महोदय को कार्रवाई हेतु सूचित कर दिया गया। अवंतिका डायग्नोस्टिक सेंटर मौके पे वो भी फरार पाए गए, उसको भी हमारी टीम ने सील कर दिया है।